कनाडा का प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर हस्तक्षेप कर रहा है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? वहां पर खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए जा रहे हैं, वहां पर यह कहा जा रहा है कि इमरान मेरा यार है, दिल्ली में बैठा हुआ गद्दार है। राहुल गांधी के आगे पालक, धनिया, मेथी, बथुआ और सरसों का साग रख दिया जाए और राहुल गांधी बता दे इसमें से कौन सा क्या है, तो मैं मान लूंगा कि राहुल गांधी 1% भी किसानों को लेकर सीरियस है। शर्मा जी, आपने देखा होगा लगातार 7 दिनों से किसान सड़कों पर है, लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो काला कानून है ये वापस होना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये साइन बाग पार्ट 2 है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमें विरोध करने का अधिकार मिला है, चाहे वो किसान हो चाहे एक आम इंसान हो। और जो किसान हैं और आंदोलन कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उनके हक का एक नमूना है। और जिस शाहीन बाग की हम बात कर रहे हैं, इसमें तमाम पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये कि जिसको काला कानून कहा जा रहा है, वो कानून पंजाब में लागू ही नहीं किया वहाँ की सरकार ने। तो पहला सवाल यहाँ से उठता है कि जो कानून आपने अपनी राज्य में रेजोल्यूशन पास करके लागू ही नहीं किया, उसके खिलाफ विरोध कैसा? दूसरा, आज तमाम पहलू हैं जिसके ऊपर जो है चर्चा करनी चाहिए। आप राहुल गांधी का बयान देखेंगे, ट्विटर के ऊपर उनका एक भाषण जो है बड़ा तेज़ी से चल रहा है। आज उन्होंने कहा कि किसान अपनी जो है फसल कैसे बेचेगा, सड़कें नहीं हैं। आज देश की जनता पूछना चाहती है राहुल गांधी से कि 60 साल से अधिक सालों तक, यदि तुम्हारी ही बात को मान ले एक बार के लिए, कि 60 साल से अधिक वर्षों तक तुम्हारी सरकार इस देश में रही, तुम इतना विकास नहीं कर पाए कि किसान की फसल जो है मंडियों तक पहुँच सके, और तुम आज रोना रो रहे हो कि किसान की फसल जो है सड़कें नहीं हैं कहाँ पहुँचेंगी। तो जो राहुल गांधी के अपने लॉजिक हैं वो खुद ही ढेर हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जितना बोलेंगे वो अपनी पार्टी के लिए उतना नुकसान करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी के भाषण अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कॉमेडी सर्कस का कोई एपिसोड चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी जो है ज़मीन ले जाएंगे, किसान जो है अपना फसल ले जाके एयरपोर्ट पर बेचेगा। भाई, 2014 से पहले क्या किसान की फसल एयरपोर्ट पे बिक्री थी या एयरपोर्टों पे कोई मंडी लगती थी? देखिए, इस प्रकार की बेतुकी बात करना आज बड़ा निराशाजनक है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, देश के अंदर कुछ घराने ऐसे थे जो लोग इस किसानों की आड़ में मोटा मुनाफा कमाते थे। 2 से 2.5% जो बीच का कमीशन होता है वो कमाकर जो है अपनी तिजोरियां भरते थे। आज एक ऐसा कानून आया जिसने किसानों को आज़ादी दे दी कि आप देश के किसी भी हिस्से में या किसी को भी आप अपना माल बेच सकते हैं जहां पे आपको उचित जो है मूल्य मिले। तो क्यों परेशानी होनी चाहिए? आज पंजाब का किसान जो है गुजरात में बेच सकता है, गुजरात का किसान बंगाल में बेच सकता है, किसको परेशानी होनी चाहिए? केंद्र सरकार ने ई मार्केट, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर मार्केट बना दिया और उसके अंदर रजिस्टर होकर लाखों लाख किसान उसका जो है लाभ उठा रहे हैं। परंतु समस्या किन लोगों को है? समस्या उन लोगों को है जो ये बीच में दलाली खाने वाले लोग हैं, जिनकी दलाली खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया। और सबसे मज़ेदार बात, 2013 का मुझे वो लोकसभा का वो वाकया याद आता है जब कांग्रेस के ही लोग और कपिल सिब्बल जैसे होनहार वकील लोकसभा पटल पर खड़े होकर जो है चीख चीख कर बोलते थे कि इस कानून में ये फ़ायदा है, इस कानून में ये फ़ायदा है। और वो तमाम, मैं आपको किसान यूनियन के जो रेजोल्यूशन दे दूंगा, तमाम किसान यूनियन हैं जिन्होंने बकायदा कांग्रेस को समर्थन किया इस बात पर, और आज वो जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की बी टीम की तरह नज़र आती हैं। क्यों इसको जो है कांग्रेस की बी टीम ना माना जाए? आज जो एक जो बहुत बड़ा पंजाब से आया हुआ किसान यूनियन है जो जो है आज आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, उसने कांग्रेस पार्टी को खुला समर्थन दिया था, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी को खुला समर्थन दिया था। तो ये जो एक हॉब नॉबिंग है कि एक किसानों के आंदोलन के रूप में आना और एक पार्टी का जो है एजेंडा चलाना, तो देखो जो देश का किसान है वो अभी भी अपने खेतों में जो है अपनी फसल पे काम कर रहा है। परंतु जिन लोगों को, पर आज देश में क्या परिवर्तन हुआ समझने की ज़रूरत है। 2014 से पहले आप रोज खबर सुनते थे कि देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, और आज का किसान 5 महीने का राशन लेकर प्रदर्शन कर रहा है, तो देश में प्रगति तो हुई है ना? नहीं तो आप यदि काम करते हैं, यदि मैं काम करता हूं, तो क्या आपके और हमारे निजी जीवन में 5-5 महीने का राशन लेकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है? तो आप इसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म देश की जनता को समझना होगा। आप सोचिए 5 महीने का राशन लेके आने की ज़रूरत क्या है? कि आपकी नीयत में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि 5 महीने का प्रदर्शन क्यों? क्योंकि आप लोगों की प्लानिंग ही ऐसी है। और ऊपर से
कनाडा का प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर हस्तक्षेप कर रहा है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? वहां पर खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए जा रहे हैं, वहां पर यह कहा जा रहा है कि इमरान मेरा यार है, दिल्ली में बैठा हुआ गद्दार है, बेंडर वाले की फोटो के साथ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर देश की जनता क्या अनुमान लगाए कि आपके कौन से इंटरेस्ट हैं कि आप देश की राजधानी दिल्ली को चौक कर देना चाहते हैं? देखिए मोडस ऑपरेंडी सेम है, शाहीन बाग वालों ने किया, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के आते वक्त दिल्ली में दंगा कर दिया, और आज दूसरी मोडस ऑपरेंडी यही है, वो प्रयोग नहीं था, वो संयोग नहीं था, वो प्रयोग था। शाहीन बाग इन्होंने 3 महीने से ज्यादा चलाया, उनका प्रयोग यही था कि कैसे ना कैसे समाज के अंदर, देश के अंदर समरसता को भंग किया जाए। पहले मुसलमानों को एक किया गया शाहीन बाग के माध्यम से, और आज सिखों को एक किया जा रहा है किसान आंदोलन के नाम पर। अगर आंदोलन वाजिब है तो वार्ता हो रही है, सरकार ने कहीं पे बिल पे MSP को हटाने की बात नहीं करी, और आज मजे की बात, आज 32-32 किसान संगठनों के प्रतिनिधि जाके वहाँ पे बात कर रहे हैं, कईयों को तो पता भी नहीं है कि विरोध किस बात का है, सबसे ये कई अखबारों में, कई न्यूज़ में चल रहा है। तो विरोध तो तार्किक होना चाहिए ना, आप 5-5 महीने के लिए क्यों आए हैं, आपको लाया गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है राजनीति हो रही है, क्योंकि 15 महीने बाद पंजाब में चुनाव भी होना है? देखिए राजनीति तो पूरी तरीके से हो रही है, और राहुल गांधी जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं उससे तो साफ पता लगता है, यदि राहुल गांधी के आगे पालक, धनिया, मेथी, बथुआ और सरसों का साग रख दिया जाए और राहुल गांधी बता दे इसमें से कौन सा क्या है, तो मैं मान लूंगा कि राहुल गांधी 1% भी किसानों को लेकर सीरियस हैं। जो आदमी एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा इस प्रकार के बयान दे, आप उससे क्या समझेंगे, उसको खेती के बारे में, किसानी के बारे में क्या पता है? लेकिन केजरीवाल ने भी कह दिया कि हम भी किसानों के साथ हैं। देखिए केजरीवाल तो बिन पैंदी के लौटा है, जिधर उनको दिखी अपॉर्चुनिटी उधर ही लौट गए। जब इस दिल्ली के अंदर कोरोना की महामारी थी तब आपने देखा केजरीवाल जो पैदल जाते हुए लोगों को यूपी के बॉर्डर पर बसों से छुड़वा रहा था, और आज वो जो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं उनके लिए आपकी रसोई बड़े बड़े होर्डिंग बैनर के साथ वहाँ टॉयलेट मुहैया करा रहे, सब कुछ मुहैया करा रहे, वेरी गुड। जब देश के अंदर कोरोना की महामारी थी चुनाव के वक्त आपको पूर्वांचलियों का, बिहारियों का, यूपी वालों का वोट नजर आता है, पर आपको आज जब कोरोना की महामारी थी तब आप लोगों को बस में बिठाकर यूपी के बॉर्डर पर छोड़ रहे थे, तब आपने नहीं लगाई आपकी रसोई। केंद्र सरकार ने राशन दिया उसमें घपला कर गया केजरीवाल, वो राशन लोगों तक नहीं पहुंच पाया, और उसके बाद आज जो वहां पर खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए जा रहे हैं उनके सामने ले जाके आपकी रसोई, तब आपका जमीर कहां मर गया था? यदि आप इस विधेयक के विरोध में थे तो आपने ये अपनी दिल्ली के अंदर पास क्यों किया? अभी पास किया, कुछ दिन पहले ही दिल्ली की विधानसभा के अंदर यह बिल पास किया। और सबसे मजे वाली बात, केजरीवाल जैसा ढोंगी आदमी देश की राजनीति में क्या पूरे विश्व में नहीं मिलेगा? प्रदूषण चल रहा है जी दिल्ली में, और प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल ने क्या काम किया? ऐड दिए हैं, कई करोड़ के ऐड दिए हैं। ऐड में क्या है कि आप लाल बत्ती पे गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर दीजिए, सिर्फ इससे प्रदूषण जाएगा। और बोले जी पराली जला रहे हैं, सबसे ज़्यादा पराली जलाई किसने? पंजाब ने, रिपोर्ट है ये, सबसे ज़्यादा पराली पंजाब में जलाई। केजरीवाल के कितने विधायक हैं? कोई नहीं बोला। और आज प्रदूषण का क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद क्या खबरें चलाई जा रही हैं? पराली से खाद बनाने की विधि कहाँ बन रही है केजरीवाल जी, जरा बताएं देश की जनता को। कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ देश की जनता का पैसा पानी की तरह ऐड में बहाया जा रहा है। एक काल नेमी करके एक कैरेक्टर हुआ हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में, ये केजरीवाल आज का काल नेमी ही है। जब इसको लगा कि जब हिंदू पोलराइज हो रहा है, क्योंकि 2000 जो अभी दिल्ली का चुनाव हुआ तो इन्होंने एक संप्रदाय विशेष को जो है पोलराइज करके, शाहीन बाग को सपोर्ट करके इन्होंने उनका वोट ले लिया और दिल्ली में जो है इन्होंने सरकार बना ली, पर इनको समझ आ गया कि अब देश के अंदर हिंदू भी पोलराइज हो रहा है, तो इस कालनेमी ने अक्षरधाम में पूजा करने का ढोंग रचा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस अक्षरधाम के जो पूजन कार्यक्रम का प्रत्यक्ष प्रसारण था उसके लिए जनता की गाड़ी, जो टैक्स की कमाई थी, जो जनता के खून पसीनों की कमाई थी, उसको कई करोड़ रुपया जो है आज तक और बड़े बड़े चैनलों को बांट दिया, वो प्रायोजित कार्यक्रम दिखाने के लिए। अब बताइए इस प्रकार का ढोंग अगर देश के राजनेता करें और देश के किसानों को बरगलाएं, आप बताइए ना कौन सा कानून है? डिबेट कीजिए ना, आप उस कानून को रखिए सामने और बिंदु दर बिंदु डिबेट कीजिए। कहां पे लिखा है कि अडानी अंबानी आपकी जमीन ले जाएगा? कैसे ले जाएगा भाई, देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई हिटलर शाही नहीं है, कोई भी उठाया मुंह उठा कर ले जाएगा। पर अगर राहुल गांधी जैसे लोग हों इस देश में और केजरीवाल जैसे हों तो ना होता बेड़ा गर्क हो जाए।